दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ये पक्का पंचा। देख सकते हैं ये बहुत बड़ा पंचा, हम इसको बाल बूटी के बगल बाल बूटी वाला पंचा बनाने वाले हैं। सबसे पहले इस यहाँ पे जो पंचा लगी हुई है जो किसी और दुकानदार ने लगाई है, मैं इसको उठा देता हूँ, चुटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसमें मैं आग लगा करके इसको उठा देता हूँ। जैसे ही आग मेरी भुक जाती है उसके बाद मुझे ये जो पंचा है इसको चुटा देना है। जैसे ही मैं इसको चुटाता हूँ, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से आप इसको चुटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चुटाता जा रहा हूँ, मैंने इसको आग लगाने के बाद आग से मैं छोटा चुटा रहा हूँ। छूटते छूटते देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको पूरा चुटा दिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है आपका जो ट्यूब है वो फट ना जाए यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको क्या किया कि इसको सही तरह से साफ कर लेना है। जैसे मैं इसको चुटा रहा हूँ और इसके बाद आपको सही तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सकते हैं, देख सकते हैं मैं यहाँ पे चुटा रहा हूँ, और उसके बाद आप भी इसी तरह से उसको अच्छे से साफ करेंगे तो आपका पंचा जो है अच्छे से जुड़ेगा। उसके बाद आप इसको सैंड पेपर लेकर के, जिसको मैं रेगमाल कहता हूँ, उसको लेकर के आप इस तरह से अच्छे से साफ कर ले। जो भी यहाँ पे पहले का पंचर लगा हुआ है उसका कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस तरह से इसको साफ कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो बस्ट वाला जो ब्लास्ट होता है, ट्यूब ब्लास्ट होता है, उसका पंचर अलग से आता है ट्यूब, और इसका जो पैच होता है वो अलग से आता है। उसके बाद आपको ट्यूब लगाने के बाद एक उसमें पेच में होल और करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे होल के ऊपर होल लगा देना है आपको। ठीक जैसे मैं लगा रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे ट्यूब लगाया है जो कि पंचर ट्यूब होता है उसको लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसको पूरे में फैला देना है। जिस तरह से मैं आपको, हाथ आपका वैसे गंदा होगा लेकिन आप उसको पूरे में फैला दें। फैलाने के बाद आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने उसको पैरों में फैला दिया है, आपको इसी तरह से पूरे में फैला देना है और एक लेयर बना देनी है आपको। ठीक रहे ऐसे देखना, आपको कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होना चाहिए, एक जैसा सभी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पूरे में बराबर होना चाहिए, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे में फैला दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने होल के ऊपर होल रखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही रखना है, होल के ऊपर होल रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पैच है अच्छे से चिपक जाएगा। ये जो पैच है मैंने ओमनी कंपनी का लिया है, आप अच्छी क्वालिटी का लिए, मैंने ओमनी कंपनी का लिया है। यहाँ पे ओमनी मेरी तरफ से अच्छा है और मैं इसको काफी दिनों से, काफी महीनों से और सालों से यूज कर रहा हूँ, तो ये काफी अच्छा पैच है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी तो चिपका देना है। इसमें कोई भी लीकेज या गैस का बबल नहीं होना चाहिए, कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी बबल नहीं होना चाहिए। इसको सही से पीट लेना है, जैसे मैं यहाँ पे पीट रहा हूँ, जिससे ये सही तरह से पकड़ अपनी बना सके, मजबूती से बना सके। यहाँ पे आप जो सेलोटेन यूज कर रहे हैं वो शायद डायमंड का हो सकता है। मैंने यहाँ पे टक्का यूज किया है, आप चाहे तो ओमनी का सेलोटेन भी ले सकते हैं। उसके बाद इसकी जो नलकी होती है, ढीमली होती है, इसकी बाल बूटी मैं उसको लगाने वाला हूँ। इसकी बाल बूटी को खोल रही है सबसे पहले। कई लोग क्या करते हैं, इस बाल बूटी को अंदर कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आप अंदर भी कर सकते हैं। मैंने इसको बाहर रखा है, मैं इसको अब अंदर डालने वाला हूँ। तो इसको सबसे पहले इसकी मैं पत्ती और बोल्ट को खोल लूंगा। इसमें जो ट्यूब का बाइसेप पड़ा हुआ है मैं इसको भी निकाल लूंगा। इसके बाद मैं इसको अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा मुश्किल से जाएगा लेकिन ये जब बैठ जाएगा इस पर तो एक चटके में चला जाएगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ डालने की, लेकिन ये अभी जाने वाला है, अच्छे से चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के। क्योंकि अब हमने इसमें पंचर लगा दिया तो यहाँ से जब मैं इसमें ताकत से इसमें डाल रहा हूँ तो ये फटेगा नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप इसमें बाल बूटी को अंदर डाल देते हैं, जैसे मैंने इसको पूरा ही अंदर कर दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बाहर निकाल लूंगा। इसमें आपको घबराने वाली कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको इसलिए किया है कि अंदर का जो ट्यूब का बाइसल होता है उसको मैं सही से लगा सकूँ, लेकिन मुझे वो मिल गया तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया नलकी को। तो अब इसके बाद आपको इसमें ये वाली सबसे पहले आपको पत्ती लगा देनी है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फोटो में वीडियो में। तो आपको सबसे पहले ये वाली जो पत्ती है आप इसको लगा लें, देखिए मैंने यहाँ पे एक बाइसल भी लगाया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे जो पत्ती दिखाई दे रही है, अगर आपका पत्ती से काम हो जाता है तो ठीक है, अगर आपको पत्ती से भी, तो पत्ती लगाने के बाद आपकी जो पंचर है वो लीकेज अगर होती है बाल बूटी की तरफ से, तो आपको यहाँ पे एक बाइसल और लगा देना है ट्यूब का। उसके बाद आपका जो पंचर लीकेज है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने इसको कस दे दिया है, और कसने के बाद अगर आपके पास रिंच है तो आप उससे कस सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे किसी रिंच की मदद से भी इसको टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको चेक करने के लिए लीक है या नहीं तो मैं इसमें हवा भर के इसको चेक करने वाला हूँ। इसमें हवा भर चुका हूँ, इसमें लिमिट की हवा बनी है, कोई ज्यादा हवा नहीं बनी है, ना ही आपको कोई कम हवा बनी है। तो ये देखिए मेरा जो पंचर लगाया है वो सही से लग चुका है, और इस ट्यूब में एक पंचर और है जिसको मैंने हाथ से दबा रखा है, और इसको मैं चेक करता हूँ तो पूरा ट्यूब सही है, एक पंचर और है इसमें। जब हम चेक कर रहे हैं तो इसमें एक पंचर और दिखाई दे रहा है जो कि मैंने हाथ से दबा रखा है, जिसको मैं जोड़ने के बाद इसी कस्टमर को दे दूंगा। तो
तो ये डालने का चार्ज और लग जाएगा इसमें, और ये मैं कस्टमर को दे दूंगा। उसके बाद अगर आप भी ये सब पंचर जुड़वाना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, नहीं तो बताए हुए तरीके से आप अपने घर पे भी जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।